खाली तुस गली का काम शुरू कराओ, बाकी दुए बंदे उपर नहीं चढ़ना देंगे। ये साढ़ा थोड़े कन्ने फारूक साहब, सुनील वर्मा जी, फारूक साहब, सुनील वर्मा जी, शेट्टी साहब, अपने आप ही डिवेलप कर। मैं तुझे गल सुना कि मेरा जो तालुक है जिस पार्टी करने एनएसी पार्टी उस पार्टी ये पार्टी किसी दुनिया की हिंदुस्तान की है नहीं पूरे वर्ल्ड में जिले शख्सी भूमिका आई है राजे महाराज की भूमिका आई है उस वेले की पार्टी बनी नैशनल कॉन्फ्रेंस 1931 साड़ा देश आजाद होया आजादी के बाद ही सियासी पार्टी बनी बड़ी पुरानी पार्टी है और मेरी साड़ी पार्टी के जो पहले शेख मुहम्मद गुल्ला साहब ने वो प्रधानमंत्री थे जम्मू कश्मीर के दो है प्रधानमंत्री एक दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू बने तो एक बने शेख मुहम्मद गुल्ला साहब प्रधानमंत्री ये जिले प्रधानमंत्री बने तो इन्हें देखिए गरीब लोगों के अत्याचार होते खास तौर जो जो पिछले जो दबे कुछ लोग है ना जिन्हें शाहूकार चुगल च फसे नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, वर्मा जी जिंदाबाद, वर्मा जी जिंदाबाद, फारूक साहब डॉक्टर फारूक साहब जिंदाबाद, डॉक्टर अमर साहब जिंदाबाद। किस बैच जी असि सरकार चले नहीं करनी असि आपको सरपंच जी सू चाहिए कोई नहीं साढ़े को है नायब सरपंच एक बल इये सरपंच जी को पै लगे सारे बस जी मौत भी चाहिए बाकी करने वाले जो अफसर ने वो सब पता की है करवा मैं तुझे एक गल सुनना चाहना ये अपने कुलदीप होर बैठे थे उषा होर भी सारी साड़ी इतने बैठे बेचारी हैं करते ना लबार्टरी इतने इतों लबार्टरी से कोई चीज़ से करिए पूरे हिंदुस्तान से बेचते हैं इतने लोगों से इंप्रैशन देने की कोशिश करते कि मुस्लिम के हिंदू के बीच लड़ाई खाई बनाई ने ताकि बनाइए तो लोगों लोग जो बाहर बैठे वो आखिर मुसलमान बड़े भैड़े मुसलमान ये करिए मुसलमान उसी मारीे एक तो ताकि उसी बेचन बाहर के लोगों को वोट बैंक लैंड जितन इन्हें स्कीम इस वजह करने सारा जम्मू कश्मीर जरा दल दल बनी है ये जम्मू कश्मीर मोहम्मद गुल्ला साहब सब तो पहले प्रधानमंत्री है हिंदुस्तान च दो प्रधानमंत्री बने कि जम्मू कश्मीर के शेख साहब एक जी सुनील वर्मा साहब आज आप रूरल एरिया पंचायतों का दौरा घर घर कर रहे हैं नुक्कड़ मीटिंगें कर रहे हैं तो हमने भी यहाँ सुना लोगों की बहुत समस्याएं जैसे पानी की है रोड की है आपकी सरकार भी नहीं और आप फिर भी इन मसलों को हल करने का पूरे आश्वासन दे रहे हो तो इस पर क्या कहना है देखिए बड़े अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है कि ये हार्ट ऑफ द सिटी है बिल्कुल सिटी से म्यूनसिपैलिटी के साथ ही ये एरिया है और जहाँ के लोग पानी के लिए तड़प रहे हैं चलने के लिए रास्ता नहीं है पानी नहीं है पीने के लिए और भी बहुत सारी समस्याएं जैसे लोगों ने कहा कि जहाँ डिस्पेंसरी नहीं है कोई बीमार हो जाता है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है तो ये बदकिस्मती यहाँ ये रही कि जहाँ पर जितने भी लोग आज तक जो इन लोगों के नुमाइंदे बने लोगों ने इनको बरगलाया और इनका जो समर्थन हासिल किया लेकिन बाद में इन लोगों को धोखा दिया और मैं ये समझता हूँ कि अब लोग ये जो हैं जो इस एरिया के ये असलियत समझ चुके हैं जान चुके हैं कि जो जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी उनसे ये हमेशा दूर रहे और बाकी जो छोटी छोटी पार्टियों के साथ ये लोग चलते रहे और इन्होंने अपना मुस्तकबिल सारा ही मैं समझता हूँ कि बिगड़ सा गया इन लोगों का तो लेकिन अब ये लोगों ने मन बना लिया है क्योंकि पिछले दिनों डॉक्टर फारूक साहब आए थे 3 दिन पहले तो फारूक साहब ने भी इन लोगों को यही कहा कि एकजुट हो जाओ कि कुछ जो फिरका परस्त जहाँ की जो ताकतें हैं जो हमें मजहब और जात बरादरी के नाम पे बांटती हैं और जहाँ पे राज करती हैं हुकूमत करती हैं उनसे हमारा बहुत बड़ा युद्ध है लड़ाई है तो मैं समझता हूँ कि ये हम जो छोटे जो छोटी छोटी जो कम्युनिटीज़ हैं जो हमारे पर हमारी जहाँ पे जितने भी जो लोग हैं अब ये एकजुट हो चुके हैं और जिस समझ ये जो लड़ाई है मैं समझता हूँ ये हमारी सब की लड़ाई है साझी लड़ाई है और हम सब एकजुट होकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप के तले डॉक्टर फारूक साहब की सरपरस्ती में उमर साहब की लीडरशिप में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे के नीचे हम सब लोग इकट्ठे हो गए हैं।